नमस्कार, मैं उप्रिया, बिहारी न्यूज में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम आपसे बात करेंगे एक ऐसे बिहारी अभिनेता की जिसने हॉलीवुड में अपना नाम रोशन किया है। बिहार से कोस्टा रिका तक का सफर तय करने वाले इस अभिनेता ने बॉलीवुड तो बॉलीवुड हॉलीवुड में भी बिहार का मान बढ़ाया है। बिहार की धरती ने बॉलीवुड को भी बहुत बड़े नाम दिए हैं, जिन्होंने बॉलीवुड में अपनी एक अलग पहचान बनाई है और नए मुकाम को हासिल किया है। आज इसी कड़ी में हम आपसे एक ऐसे हीरो की बात करेंगे जिन्होंने बॉलीवुड की फिल्मों में अपने अभिनय का प्रदर्शन तो किया ही है, बॉलीवुड के नकारे जाने के बावजूद भी उन्होंने हार नहीं मानी बल्कि हॉलीवुड में भी बिहार का मान और अपना नाम बनाया है। जी हां, आज हम बात करेंगे प्रभाकर शरण की। प्रभाकर शरण का जन्म बिहार के मोतिहारी जिले में साल 1980 को हुआ था। उन्होंने अपनी पढ़ाई और अभिनय करियर के लिए कोस्टा रिका का रुख किया था। इसके लिए उन्होंने मध्य अमेरिका छोड़ दिया था। स्पेनिश भाषा के साथ उनका संघर्ष, उनके दिन और रात की कड़ी मेहनत और भारत और भारतीय संस्कृति के प्रति उनके मजबूत प्रेम ने उन्हें मध्य अमेरिका में भारत को बढ़ावा देने के लिए बॉलीवुड फिल्मों और सामाजिक गतिविधियों को शुरू करने के लिए प्रेरित किया, जिसके कारण ही वो उस विश्वविद्यालय का बोर्ड सदस्य के रूप में भी काम कर चुके हैं जहाँ वो अध्ययन करने गए हुए थे। आपकी जानकारी के लिए आपको बता दें, वो मध्य अमेरिका में हिंदी फिल्मों की शुरुआत करने वाले पहले व्यक्ति है। उन्होंने लाइव शो भी किए हैं और पहली बार 2017-18 एंड्रे डाडोस ला कन्फ्यूजन में सबसे पहले भारतीय लैटिन AMRICAN मूवी किया है, जो काफी सफल हुआ था। इस फिल्म को लेकर प्रभाकर शरण ने बताया था कि यह फिल्म बॉलीवुड स्टाइल हॉलीवुड फिल्म थी, जिसके लिए अक्षय कुमार अभिनीत, खिलाड़ी 786 के निर्देशक आशीष शर्मन, शादी में जरूर आना के DOP जो कि रह चुके हैं वो भी पहुंचे थे। उनकी यह फिल्म साल 2018 में सबसे ज्यादा देखी जाने वाली फिल्म बनकर उभरी थी, जिसके बाद ही प्रभाकर स्पेनिश फीचर फिल्म में मुख्य और प्रत्यक्ष अभिनय करने वाले पहले भारतीय बन गए। उन्हें सर्वश्रेष्ठ अभिनेता, सर्वश्रेष्ठ डेब्यू निदेशक, संयुक्त राज्य अमेरिका में सर्वश्रेष्ठ फिल्म और कई अंतर्राष्ट्रीय प्रतिष्ठान फिल्म समारोहों और सरकारी संगठनों के साथ कई पुरस्कारों से भी सम्मानित किया जा चुका है। प्रभाकर शरण को अभिनेता बनने के उनके सपने में उन्हें संघर्ष, अस्तित्व और सफलता की यात्रा दी है, जो न केवल कोस्टा रिका बल्कि पूरे मध्य अमेरिका और भारत के लिए प्रेरणा बन गई है। वो एक लैटिन अमेरिकी फिल्म में प्रदर्शित होने वाले पहले भारतीय अभिनेता है। प्रभाकर 2000 में यूनिवर्सिटेड पैरा अमेरिकाना में एक छात्र के रूप में कोस्टा रिका में उतरे और साल 2018 में विश्वविद्यालय के अध्यक्ष बने। उन्होंने मूवी वितरण, उत्पादन और विभिन्न व्यवसायों की एक श्रृंखला की भी शुरुआत की थी। हालांकि मोतिहारी से निकलकर हॉलीवुड पहुंचने का उनका सफर आसान नहीं था। उनके इस सफर में कई बाधाएं भी आई। स्ट्रगल से हालांकि प्रभाकर घबराए नहीं, बल्कि उन्होंने अपनी हार को अपना दोस्त बना लिया और यही कारण है कि उन्होंने अपनी मेहनत से यह मुकाम हासिल किया है और इस मुकाम तक पहुंचने में कामयाब रहे हैं। शुरुआती समय में उन्होंने विदेश जाकर कड़ी मेहनत की। हालांकि हॉलीवुड में जाने से पहले उन्होंने बॉलीवुड में भी अपनी किस्मत आजमाई। कई बार उन्होंने मुंबई जाकर ऑडिशन भी दिए, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। बॉलीवुड में मिली नाकामी के बाद ही उन्होंने लैटिन अमेरिका जाकर अपनी किस्मत आजमाने का फैसला किया, तभी पढ़ाई के साथ साथ करियर के लिए निकल पड़े। शुरुआती समय की बात करें तो उन्हें हरियाणा में रहने के दौरान बाजरे की रोटी और साग खाने की आदत हो गई थी, लेकिन वहां उन्हें रोटी तक नहीं नसीब होती थी। आर्थिक तंगी से परेशान होकर प्रभाकर ने भारत की मिट्टी को बेचने का काम शुरू किया। वो हरियाणा से 100 रुपए की मिट्टी ले जाकर 1000 रुपए में बेचने का काम करते थे। इतना ही नहीं, पैसे की मांग को देखते हुए ही उन्होंने बाद में कोस्टा रिका में कपड़े का स्टोर शुरू किया और रेस्टोरेंट में काम करना शुरू कर दिया। जब उनका यह काम ठीक ठाक सेटल हो गया, तब उन्होंने एक बार फिर से अभिनय की दुनिया में कदम रखने का मन बनाया। वो कैसे भी करके बॉलीवुड से जुड़े रहना चाहते थे और यही कारण है कि उन्होंने बॉलीवुड से राइट्स खरीदना शुरू कर दिया। इस बाबत प्रभाकर ने बताया कि उन्होंने पहली बॉलीवुड फिल्म कोस्टा रिका में रिलीज करवाई। हालांकि उन्हें शुरुआत में इससे कोई फायदा नहीं हुआ था, बल्कि नुकसान ही झेलना पड़ा। फिल्म में लगाया हुआ पैसा डूब गया, जिसके बाद प्रभाकर के जीवन में फिल्म का भूत सवार हुआ। हालांकि उनके पैसे डूबने के कारण उनकी माली हालात काफी ज्यादा खराब हो गई थी, जिसके कारण ही
उन्होंने भारत वापस लौटने का भी फैसला लिया था। साल 2010 के बाद से 4 साल तक वो पंचकुला में रहे थे। इस दौरान उनके परिवार ने भी उनका साथ छोड़ दिया था, जिसके बाद उनकी पत्नी बेटी के साथ कोस्टा रिका चली गई थी। हालांकि इतने बुरे दौर के बावजूद उन्होंने हार नहीं मानी और वो फिर से कोस्टा रिका लौट गए और अपने काम में जुट गए, जिसके बाद उनके जीवन में बड़ा बदलाव हुआ। उन्हें एंड्राडोस ला कन्फ्यूजन में बतौर लीड रोल काम करने का मौका मिला। यह फिल्म 2017 में रिलीज हुई और यह फिल्म अमेरिका समेत 14 देशों में रिलीज की गई, जिसके बाद ही इस फिल्म को खूब सफलता मिली। प्रभाकर की इस फिल्म को हिंदी अंग्रेजी में एक चोर दो मस्तीखोर के नाम से भी रिलीज किया गया। यह फिल्म कमाई के हिसाब से भी बेहद सफल साबित हुई। हम बिहार के इस हीरो को अपने आने वाले करियर के लिए ढेरों शुभकामनाएं देते हैं। इस वीडियो के खत्म होने से पहले आप हमें अपने पसंदीदा बिहारी कलाकार के बारे में जरूर बताएं जिन्होंने आपके अनुसार बिहार का मान बढ़ाने का काम किया है। इसके साथ ही आज के इस वीडियो में बस इतना ही। तब तक के लिए धन्यवाद।